वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रैम्स और आप देख रहे हैं टिप्स 360। तो हाल ही में मैंने एक सेल्फी स्टिक परचेज की थी, तो सोचा इसे आपके साथ भी शेयर कर लूं। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो अमेजोन से आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पैकिंग है उसमें क्वालिटी नहीं दिख रही है हमें, बट हाँ ठीक है, बैटरी से मैंने 140 में परचेज किया था। तो फाइनली हम इसकी अनबॉक्सिंग कर ले रहे हैं। तो इसकी पॉलिथीन स्मूथ है, चलिए हम अपनी कटलरी का यूज़ करते हैं। तो जो क्या है, जो पॉलीथीन काफ़ी स्मूथ होने का हमारा जो कटली है वो भी प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रही है। चलिए हम इसे अलग कर देना, अपने हाथों से इसे नॉर्मली ओपन कर ले रहे हैं। वैसे इसकी पैकिंग में मुझे क्वालिटी नहीं दिख रही है, बट हाँ ठीक है, बेटर है, बढ़िया है। इसे मैंने 140 में परचेज किया है। तो देखते हैं इसके अंदर का प्रोडक्ट है वो कैसा निकलता है। इसकी पैकिंग तो क्वालिटी लेस दिख रही है। चलिए इसे अलग कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पैकिंग है वो तो घटिया ही दिख रही है, बढ़िया है, प्रोडक्ट तो थोड़ा सही दिख रहा है। तो इस पर कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे चाइनीज़ नहीं आती। यदि आप में से किसी को चाइनीज़ आती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा कि इस पर क्या लिखा है और कैसा लिखा है। तो बढ़िया है, वैसे तो प्रोडक्ट सही दिख रहा है, बट हमें एक इसमें एडवांटेज ये दिख रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो फुल्ली प्लास्टिक की दिख रही है। आप देख सकते हैं इसका बटन भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, बट बस डिसएडवांटेज हमें यही समझ में आ रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है टोटली। वेट भी है इसका थोड़ा, साथ ही साथ इसके यदि क्लैंप की बात की जाए तो ये थोड़ा सही दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें रबड़ लगी हुई है दोनों साइड, और इसकी निचले पोर्शन में ये मेटल का कुछ लगा हुआ है, बाकी ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है। साथ ही साथ इसकी यदि हम ग्रिप की बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रिप है, थोड़ा एकदम टाइट पोर्शन दिख रहा है, तो हाँ इससे हमारे मोबाइल को एक अच्छी ग्रिप मिल सकती है। तो यदि आप इसके स्क्रू की बात करें तो इसमें हमें क्वालिटी थोड़ी दिख रही है, बट उतनी खास क्वालिटी भी नहीं है। तो इससे आप जो भी एंगल बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पर पिक्चर पिक करना चाहते हैं। तो बस डिसएडवांटेज हमें इसमें एक ये दिख रहा है कि जो इसकी बॉडी है वो अपर बॉडी वो फुल्ली प्लास्टिक की है। तो चलिए साथ ही साथ अब हम इसकी इनर बॉडी भी देख लेते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा एडवांटेज दिख रहा है इसकी, आप देख सकते हैं फुल्ली स्टेनलेस स्टील की जो है वो हमें स्टिक दिख रही है। तो चलिए यदि हम इसकी एक्जिबिलिटी की बात करें तो इसमें हमें 78 सेंटीमीटर की एक्जिबिलिटी मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। तो चलिए मैं इसे आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। अब देख सकते हैं फुल स्टेनलेस स्टील की जो हमारी स्टिक है जो कि 78 सेंटीमीटर की है, तो काफ़ी अच्छा एंगल भी बनाती है। तो यदि आप भी इसे परचेज करना चाहें तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यदि आप चाहें तो इसे वहां से ही परचेज कर सकते हैं। तो यदि हम इसकी जैक की बात करें तो इसमें हमें 3.5 mm का जैक मिल रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। तो चलिए मैं अपना हेडसेट इस आपको इसमें अटैच करके दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपली आप इसे नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो ग्रिप है वो इसमें आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड जो रबड़ मिली है इससे एक काफ़ी शानदार ग्रिप दे रहा है हमें। इससे हमारा जो मोबाइल है वो काफ़ी तरह से अच्छी तरीके से इससे अटैच रहेगा, देख सकते हैं आप। साथ ही साथ इसकी जो ग्रिप है वो शानदार है, तो इससे आप देख सकते हैं किसी भी राउंड में आप इसे 360 डिग्री में भी घुमा सकते हैं, तब भी इसका कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मली अटैच ही रहेगा।
तो नॉर्मली आप इसे जैक से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप ब्लॉगिंग करना चाहें तो इसके लिए आपको ट्राइपॉड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसे ही ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हैं। बस आपको सिंपली जो हमारा एंगल है उसे चेंज करना है और आप इसे नॉर्मली ट्राइपॉड की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसका वेट भी उतना नहीं है तो आप इसे नॉर्मली ब्लॉग की तरह भी यूज कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए भी। तो बस आपको जो एंगल बेटर लग रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर दीजिए और अपने हिसाब से ब्लॉग शूट कीजिए। तो इसके लिए आपको कोई ट्राइपॉड वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और पैसे वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ही नॉर्मली ट्राइपॉड की तरह यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।